हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमन मीणा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोफेक न्यूज़ पे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, तो अब हम बात करेंगे फोल्डिंग फ़ोन्स के बारे में। हमने इस वीडियो में जिस भी फ़ोन के बारे में बात करी है, आप उन्हें खरीद सकते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फ़ोन हैं इस लिस्ट में आपके लिए। पहला फ़ोन निकल कर आता है आपके लिए सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। और इस फ़ोन को सैमसंग ने सितंबर 2019 में रिलीज़ किया था। और इस फ़ोन के बारे में अगर बात करें तो इसमें आता है 7.3 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले। और इसमें सेकंड डिस्प्ले है 4.6 इंचेस, जो कि बाहर की तरफ दिया गया है। और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 12GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855, इसमें 5 कैमरे हैं, रियर कैमरा 12+12+16 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 10+8 मेगापिक्सल का। इसमें बैटरी दी गई है 4380mAh बैटरी। और अगर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की प्राइस की बात करें तो इंडिया में यह मोबाइल 1,64,999 की इंडियन प्राइस है। और चलिए दूसरे मोबाइल की बात करें तो दूसरा मोबाइल भी सैमसंग की तरफ से ही आता है, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप। पुराने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से अलग सीपी की डिज़ाइन में आता है। इस फ़ोन के बारे में अगर बात करें तो इसमें है स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी, 3300mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 6.7 इंच का डिस्प्ले, पंच होल डिज़ाइन, 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 12+12 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा। इन फीचर्स के साथ यह मोबाइल आता है और इसकी कीमत सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से कम है। इसकी कीमत है 1,09,999 रुपये। और तीसरा मोबाइल मोटोरोला की तरफ से निकल कर आता है मोटो रेजर। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें अगर तो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 710, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, कैमरा 16 मेगापिक्सल, बैटरी है 2510mAh की, डिस्प्ले 6.2 इंचेस का और इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। इसकी लॉन्च डेट है इंडिया की 19 मार्च 2020। हमारा चौथा फ़ोन है हुआवे मेट एक्स। और इस फ़ोन में हमारी लिस्ट का अभी तक का सबसे बड़ा स्क्रीन है। पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो स्क्रीन का साइज़ है 8 इंचेस का। इसमें प्रोसेसर है किरिन 980, रियर कैमरा 14+16+8 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 512GB, बैटरी 4500mAh और इंडिया में 28 फरवरी को लॉन्च हो सकता है 2020 में। हाँ, तो जो हमारा अगला फ़ोन है रॉयल फ्लेक्स पाए, इस मोबाइल का नाम आज तक मैंने भी नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना होगा, पर यह इस लिस्ट में है, पता नहीं क्यों है पर है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डुअल सिम है, 4G सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 855, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, 7.2 इंच एमोलेड डिस्प्ले। इससे ज़्यादा कुछ इसके बारे में ढूंढने पर मिला नहीं। रेट अलग अलग बता रहे हैं पर मुझे नहीं लगता इंडिया में लॉन्च होगा, तो नहीं करते हैं इसके बारे में बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइस, ये हमारी लिस्ट का लास्ट मोबाइल है जो कि LG की तरफ से आता है, LG G8X डुअल स्क्रीन। इस फ़ोन में दो स्क्रीन है जो बंद हो जाती है, खुल जाती है, एक फोल्डेबल फ़ोन की तरह ही है।
इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस जी ओलेड फुल व्यू डिस्प्ले, कैमरे की बात करें तो 12+13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बैटरी 5400 mAh, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 है, रैम 6GB, इंटरनल मेमोरी 128GB,